तो भैया फोटो ही चाहिए, फोटो लेना हो रहा बताइए रहा, तुरंत मिलेगा। आज के डेट में ऐसा हो गया कि हम लोग को ऐसा कोई डेड बॉडी नहीं है जैसे नहीं खींच पाते, चाहे पोस्टमार्टम हो गया चाहे कोई भी बॉडी। थोड़ा सा डर लगता था मन में कि कैसे खींचे ना खींचे, फिर अंकल से फोटोग्राफी करवाते थे, उसके बाद वो सिखाएं कि देखो डरो मत, बिजनेस कर लो, कमाने बैठे। मुझे पापा कैमरा दिया, तुम पढ़ाई नहीं चलोगे तो कैमरे चलाओ अपना, छोटा कैमरा वो चोधे आया था, उसके बाद फिर जीता। हम तो शुरू शुरू में फिल्म वाला बढ़िया लगा, फिर वो बुलाए, तुम काम करना चाह रहे हो कमाना चाहते हो तो ठीक है मेरे साथ काम करो। रेगुलर खींचते थे, खींच के सिखाते थे हमें, जो हम फोटो बनवाने जाते थे उसका मुझे 25 रुपये कॉस्ट मिलता था। कस्टमर हमारे पास 2 बजे रात को भी आते हैं, 3 बजे रात को भी आते हैं। आज तक हम लोग कभी फोर्स नहीं करते थे फोटोग्राफी में, जो भी कस्टमर यहाँ से जाएगा उसे हम लोग पूछेंगे, वो अगर हाँ करता है तो ठीक है, नहीं करता तो कोई बात नहीं। 4x6 देता इधर, वो 120 रुपया का है, उतने बड़ा लेने 5x7 है, वो 150-300 का भी है, मतलब कैसा टाइज लेने वैसा रहता है, उसमें आज का डेट तारीख तमे तब रहेगा। यंग बॉडी रहता है तो हम लोग पैसा लेते भी नहीं है, क्योंकि हम लोग को अच्छा नहीं करता, हम लोग खाली जो डेवलपिंग चार्ज होता है वो ले लेते हैं। जब से ये मोबाइल चला है ना तब से फोटोग्राफी ख़त्म हो गई। अब मोबाइल में 20 मेगापिक्सल 13 मेगापिक्सल कैमरा आ गया तो हम लोग की फोटोग्राफी अब ख़त्म हो गई है। बाज़ार थोड़ा सा नरम हो गया, अब एक आदमी यहाँ पे रहेगा तो वो कमा लेगा, 2-3 आदमी रहेगा तो नहीं कमा पाएगा। अब ये फोटो लेवे से नहीं भैया, फोटो नहीं लेवे सब कैमरा वाली मोबाइल ले, हाथ में चला होना चाहिए, कैमरे से चला नहीं होता है, हम तो बहुत सी चला खींच के बैठे हैं। यही आखिरी निशानी है, चोर जुंडा बनमास तब तो यहाँ आना है, डीआईजी मिनिस्टर तब तो खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओ जे।